हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। सो यहाँ पे हो रहा था मॉर्निंग का टाइम, बच्चे ट्यूशन गए हुए थे। बच्चे ना बहुत दिनों से मुझसे बोल रहे थे कि मम्मी कोई अच्छी सी चीज़ बनाओ, कुछ अच्छी सी चीज़ बनाओ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ एक रेसिपी शेयर। वैसे तो आप लोगों ने बनाई भी होगी, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बनाई होगी और खाई भी होगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिए ये फ्रूट्स घर पे रखे हुए थे। आजकल क्या है, बच्चे ना घर पे फ्रूट्स रखे होते हैं, खाते नहीं हैं। तो मैंने कहा चलो इनके लिए कुछ अच्छा सा बना देती हूँ, जिससे कि ये फल भी खा लेंगे और दूध तो पी लेंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड। तो ये है कस्टर्ड पाउडर, इसका जो पैकेट है आपको इजीली बाज़ार में मिल जाता है। तो ये मैंने ले लिया है यहाँ पे एक कप ठंडा दूध। ठंडे दूध में मैंने इस कस्टर्ड के 2 चम्मच डाल दिए हैं पाउडर के। और ये जो हमारा दूध है ये बॉयल हो रहा है, तो बच्चे ना सुबह 1-1 गिलास दूध पीते होंगे, तो ये उन्हीं का दूध हैगा। लेकिन आज ट्यूशन गए ना तो दूध पी के नहीं गए थे, बस नहा धो के सीधे वो ट्यूशन चले गए, उनके ट्यूशन का टाइम हो गया था। तो ये मैंने 1-1 चम्मच करके इसमें डाल दिया है। और इसको ना आप थोड़ा सा हिलाते रहिए, ताकि जो हमारा दूध है ना वो मतलब गाढ़ा ना हो, इसमें लम्स ना पड़े। और हाँ, अगर जब आपको कस्टर्ड पाउडर मिलाना है ना तो आपको ठंडे दूध में ही मिलाना है, वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे जो कि फिर ठीक नहीं होने वाले हैं। तो ये मैंने डाल दी है इसमें चीनी, और इसको मैं ना थोड़ी देर तक हिलाती रहूँगी, जिससे कि जो हमारा कस्टर्ड पाउडर है ना वो पूरे दूध में अच्छे से मिल जाए। और देख सकते हैं दूध में उबाल भी आ चुका है। तो जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा ना, वैसे ही मैं दूध को उतार के नीचे रख लूँगी, इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे कर लूँगी। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फ्रूट्स में क्या क्या ले रखा है। यहाँ पे मैंने ले रखा है सेब और ग्रेप्स, बनाना, और आप जो भी आप लोगों के पास फ्रूट्स हो आप वो सारे फ्रूट्स ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3-4 फ्रूट ले लिए हैं, केला, सेब, अंगूर, और इसमें एक चीकू भी हैगा। आप यहाँ पे पपीता भी ले सकते हैं, अनार के दाने ले सकते हैं, पर अनार के दाने थे नहीं, पपीता था नहीं। तो यहाँ मैं इसको ठंडा कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे कर लेना है। आप इसको थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर मिला के ना थोड़ा सा और भी गाढ़ा कर सकते हैं, थोड़ा और थिक कर सकते हैं। गाढ़ा करने से थोड़ा इसकी आइसक्रीम सी जम जाती है तो और अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी इसमें ये सारे अपने फ्रूट्स। इसमें आप ना थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल दीजिए, जब आप दूध को उबाल रहे हैं तभी आप इसमें इलायची पाउडर डाल दीजिए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसी तरीके से पता है आइसक्रीम भी बनती है। अगर आप लोगों को घर में ही आइसक्रीम बना के खानी है तो आप लोग कस्टर्ड पाउडर ला के घर में ही ईजिली बहुत सारी आइसक्रीम बना के खा सकते हैं, उसमें घर के मेवा वगैरह डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छी आइसक्रीम बनती है। और ये है उसका जो सूखे दूध का पाउडर आता है ना, तो ये मैंने किसी चीज़ के लिए मंगाया था, बच्चे ऐसे ही खाते रहते हैं, तो मैंने कहा लाओ इसमें डाल देती हूँ, जिससे कि ना बच्चों को इस तरीके की चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने ये जैम्स के 2 पैकेट रखे हुए थे, तो मैंने यहाँ पे जैम्स के पैकेट भी डाल दिए। आप इसमें ना चॉकलेट पाउडर भी डाल सकते हैं, चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं, चॉकलेट सिरप जो बाज़ार में उसके पाउच मिलते हैं वो भी डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है गाइस सच में। और घर की चीज़ों से ही आपका फ्रूट जो फ्रूट डिज़र्ट है ये बन जाएगा। तो फ्रूट कस्टर्ड बन चुका है मेरा। अब इसको मैं रख दूंगी 1 घंटे के लिए फ्रिज में, 1-1.5 घंटे आप फ्रिज में रख दीजिए, उसके बाद इसे आप बाहर निकालेंगे ना। मैंने यहाँ पे कस्टर्ड को थोड़ा सा ना पतला ही रखा था, मैंने इसको गाढ़ा नहीं करा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा बनाया। और बच्चों को ना बहुत जल्दी हो रही थी कि मम्मी आपने क्या बनाया है क्या बनाया है। तो यहाँ पे हमारा जो कस्टर्ड है बन चुका है। वैसे इतना जो गाढ़ा है ना वो ठीक रहता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है, फिर ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है फिर वो टेस्टी नहीं लगता है। तो यहाँ पे ये देखिए, अगर इसमें अनार के दाने होते ना तो और ही ज़्यादा अमेजिंग लगता। मैंने इसमें थोड़े से मेवा भी डाल दिए, घर पर थे तो मैंने डाल दिए। सो ये देखिए बन चुकी है हमारी फ्रूट कस्टर्ड। और आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइज, मैंने उसके बाद कोई भी वीडियो शूट नहीं की जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती। नॉर्मली मैंने दाल चावल बनाए थे तो मैंने कहा उसको क्या शेयर करूं मैं। यहाँ पे हो रहा था दोपहर का टाइम, तो यहाँ पे मैंने सूट है ना 2-3 सूट थे जो कि मैंने एक दिन पहले कटिंग करके रख लिए थे, तो यहाँ पे मैं आज सिल रही थी। और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे बोला था कि रिया पैर वाली मशीन ले लो, तो मैं जल्दी ही पैर वाली मशीन लूँगी डियर। सो गाइज, हो रहा है शाम का टाइम और आज मैंने करी थी स्टिचिंग। आज मैंने 3 सूट सिले हैं और मैंने अभी बनाई है एक छोटी सी काना जी का बिस्तर बनाया है आज। उनका ना एक ही बिस्तर था तो बिस्तर उनका ख़राब हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो ये कपड़ा मुझे अच्छा लग रहा था और ये सॉफ्ट है, कॉटन का कपड़ा है, तो मैंने सोचा चलो उनके लिए एक बिस्तर और बना देती हूँ। तो वैसे तो मैं लेस वगैरह लगा के बनाती हूँ बिस्तर, लेकिन मैंने आज है ना सिंपल सोबर सा ही बिस्तर बनाया है। और आप लोगों को थोड़ा सा अंधेरा लग रहा होगा, मैं जा रही हूँ नीचे जा रही हूँ, शाम की दियाबाती करूँगी। बच्चे गए हुए हैं दुकान पे, तो चलिए सबसे पहले हम खोल देते हैं घर की लाइटें।
मंदिर में आरती होने लगी है। वैसे शाम को लाइट खोल तो देते हैं, लेकिन आंगन की लाइट खोल देते हैं, बाकी लाइटें बंद रहती हैं, तो खोल देते हैं लाइटें। और चलो मैं फटाफट से पहले हाथ मुंह धो लूं, फिर उसके बाद करते हैं पूजा। सो फ्रेंड्स, शाम की पूजा मेरी हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ ऊपर। मेरा ना स्टिचिंग का थोड़ा सा काम है ना, उसको कंप्लीट करूँ, क्योंकि जिसके सूट से लेना मैंने तो वो अभी थोड़ी बहुत देर में लेने आने वाली होंगी। और आजकल ना मेरे को छींके बहुत ज़्यादा आ रही हैं, पता नहीं जुकाम तो नहीं है लेकिन छींके छींके आई जा रही हैं। तो मैंने सोचा कि इन सूटों को कंप्लीट कर देती हूँ। और ये सूट मुझे परसों देने थे लेकिन मैंने नहीं सिल पाया था, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो आज इन सूटों को कंप्लीट कर देती हूँ। और अभी इसके बाद मुझे खाना बनाना है, तो सुबह मैंने बनाई थी शिमला मिर्च आलू की सब्जी जो कि रखी हुई है थोड़ी सी, तो अब मैं बनाऊँगी सिर्फ दाल और चावल। और आप लोगों ने ना काफ़ी सारे कमेंट किए थे परी को लेके बहुत सारी, और आप लोगों के इतने सारे परी के लिए बेस्ट ऑफ लक थे, बेस्ट विशेज़ थी, तो परी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ साथ मेरे बच्चों को भी देते हैं। और पता है आप लोग है ना बच्चों की फीलिंग्स को समझते हैं, पता है बच्चों के पापा नहीं हैं, और बच्चे ना पास होते हैं या कोई भी उनकी खुशी होती है ना, तो उसमें खुश होके ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना किसी ना किसी चीज़ की कमी रहती है बच्चों की लाइफ में। क्या बोलूँ, मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ लेकिन नहीं बोलूँगी, कमी होती है बहुत ज़्यादा। लगता है कभी कभी कि जब बच्चे ये सब चीज़ें करते हैं ना तो इनके पापा होते तो बहुत ज़्यादा खुश होते, क्योंकि जितनी खुश मैं होती हूँ शायद जो पिता होते हैं उनकी खुशी दुगनी होती है। जब बच्चे या बेटियाँ कुछ अच्छा काम करती हैं ना, माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लगता है कभी कभी कि वो होते तो कितना खुश होते। और मेरे को पता है कि जब हम लोग पास हुआ करते थे ना तो हमारे पापा इतने खुश होते थे और उस खुशी में ना मिठाई बंटवाते थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब तो नहीं होता लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी होते अपने बच्चों को हमेशा हर चीज़ के लिए प्रोत्साहित करते, और कहीं ना कहीं उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बहुत जगह ऐसी चीज़ें आएंगी जहाँ पर अब उनकी कमी बहुत महसूस होगी। कल मैंने एक वीडियो डाली थी परी के साथ जिसमें परी ने मायन मायन पे डांस किया था, वो सॉरी मेरे साथ एक्ट किया था, तो उसमें कई लोगों ने कमेंट किए थे ये अभी नहीं परी। सच में मैं कभी कभी सोचती हूँ कि उनके जाने के बाद ना मैंने इन बच्चों को किस तरीके से रखा, किस तरीके से पाला, और परी की शादी होगी ना, सच बता रही हूँ उस टाइम पर ना मेरे को ना इतना रोना आएगा, इतना रोना कि मैं बता नहीं सकती। मतलब लड़कियां बड़ी होती हैं अच्छा लगता है, आगे जाती हैं अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ना उनका जो टाइम है ना हमसे दूर होने का आ रहा है। ऐसा क्यों होता है कि हम लड़कियों को पालते हैं पोसते हैं और दूसरे के घर भेजना पड़ता है, ऐसा नहीं होना चाहिए है ना। तो बस ऐसे ही कुछ चीज़ें ना मन में चलती रहती हैं, इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं डालती। मेरा आजकल ना ब्लॉग डालने का मन ही नहीं करता है, अंदर ही अंदर ना बहुत सारी टेंशनें चलती रहती हैं, आगे सब चीज़ें कैसे होंगी, कैसे कर पाऊँगी। लोगों को मेरी खुशी दिखाई देती है लेकिन मेरे अंदर जो टेंशन चलती है ना वो किसी को नहीं दिखाई देती है, कोई भी उन टेंशनों को नहीं समझ पाता है कि मेरे अंदर अंदर ही अंदर क्या क्या चीज़ें चलती रहती हैं। एक लड़की जिसने अपनी छोटी सी उम्र में बहुत कुछ खो दिया लेकिन उसके बाद भी वो हंसती है, मुस्कुराती है अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जहर घोलते ही रहते हैं, तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आज मेरी लाइफ में आप जहर घोल रहे हो ना तो भगवान सब चीज़ें देख रहा है, एक ना एक दिन आपकी लाइफ के साथ भी ऐसा ही होना है, ठीक है। एक कमेंट ये आया था कि आपके जैसी लाइफ तो हर किसी की होनी चाहिए, मैं यही बोलती हूँ जिसको मेरी लाइफ अच्छी लगती है ना, जिसको लगता है कि मैं बहुत मज़े में रहती हूँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मैं उन सब के लिए ये बोलूँगी कि उन सब की लाइफ भी ऐसी होनी चाहिए। कि कितनी टेंशन होती है एक इंसान एक लड़की के ऊपर जब
कोई ना हो और उसके ऊपर दो बच्चों का भार हो और उसे बहुत सारी चीज़ों की टेंशन हो, ठीक है। अकेले बच्चों के साथ रहना, भले ही कोई भी हो, सास हो ससुर हो, साथ में कोई भी रह रहा हो, लेकिन जो हम किसी से मुंह खोल के किसी चीज़ के लिए कह नहीं सकते हैं, समझ आया। कई कमेंट्स ऐसे आते हैं जिन्हें मैं बहुत इग्नोर करती हूँ, लेकिन कभी कभी ना ऐसा लगता है कि ना बहुत चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इनका जवाब देना चाहिए। जब हम जवाब नहीं देते ना तो लोगों को ये लगता है इनको बोलना ही नहीं आता है, हर चीज़ के लिए बोलना आता है, लेकिन हम बहुत चीज़ों के लिए सोच समझ के रहते हैं चुप। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं ना जो हमारी प्रॉब्लम्स को ना बिल्कुल नहीं समझते। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ है ना बहुत अच्छी चल रही है, अगर हम हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं ना तो हमारी लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है। मैं उन लोगों से ये बोलना चाहूँगी, कभी आपने सोचा है कि एक लड़की जिसकी इतनी छोटी उम्र में शादी हो गई और उसने बहुत कुछ खो दिया अपनी लाइफ में, छोटी उम्र में माँ को खोया, फिर अभी अपने पापा को खोया, हस्बैंड को खो दिया, क्या लगता है कि जब एक परिवार में जब पूरी फैमिली होती है कंप्लीट, तब इंसान को इतनी टेंशन होती है, तो मेरे को कितनी टेंशन होती होगी बच्चों के फ्यूचर को लेके, बच्चों की पढ़ाई की, आगे बच्चों की शादी की। सब कह देते हैं लेकिन जब टाइम आता है तो करता कोई नहीं है। बहुत चीज़ों की मुझे टेंशन रहती है, लोगों का काम क्या होता है मुंह चलाना, उन्हें ऐसा लगता है मैं हंस रही हूँ, पहन रही हूँ, ओढ़ रही हूँ, तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। भाई, मैंने अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें खोई हैं और मुझे ना बेशरम होके हंसना पड़ता है अपने बच्चों के लिए, ठीक है। जितनी टेंशन मुझे है ना, अगर इतनी टेंशन जो लोग मेरे लिए उल्टा सीधा बोलते हैं ना, उन्हें मिल गई ना तो पता नहीं क्या होगा। तो प्लीज़ किसी के लिए भी सोच समझ के बोलिए। सो गाइस, हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और खाना आज अभी मैंने नहीं बनाया है, खाना बनाऊंगी रात की। थोड़ा सा दाल भी रखी है, चावल भी रखे हुए हैं और थोड़ी सब्जी बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं। तो मैंने सोचा चलो आज जाले वाले हटा देती हूँ, आज सारी बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी जो कि मैंने कर दिया, और अब मैं पीने जा रही हूँ चाय। आज मेरी तबीयत ना थोड़ा सा ठीक नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है। तो परी की आज छुट्टी थी, मैंने सोचा कि बच्चों की आज छुट्टी है, इनके साथ में ना थोड़ा सा ये लोग हेल्प करवा देते हैं तो हो जाता है। तो बस चलिए चाय पी लेते हैं, चाय बन रही है मेरी और शॉवर में नहाने के लिए गया है। आज महावीर जयंती है ना परी, महावीर जयंती की छुट्टी है और परी कर रही है खिड़की साफ। बच्चे होते हैं घर में तो थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है, और इसलिए मेरे दो दिन से ना व्लॉग भी नहीं आ रहे हैं, मेरा ना तबीयत ठीक सी नहीं है थोड़ा, तो इसी वजह से व्लॉग बनाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे शौर्य कर रहा है पूजा, वो नहा के आ चुका है और मम्मी अभी नहाई नहीं है। तो शौर्य ने लड्डू गोपाल नहला दिए हैं और दिया भी जला दिया है, ये भूल गया था कि शालिग्राम को भी नहलाना है, तो अब शालिग्राम को नहला रहा है। तो शौर्य अब जला रहा है धूप बत्ती वगैरह, उसने दिया जला दिया था, तो हम चलते हैं आगे। वो नीचे की डस्टिंग वगैरह मैंने कर दी है और शौर्य नहा लिया था, तो शौर्य ने पूजा कर दी है और अब मैं जा रही हूँ पर कपड़े लगा देती हूँ मशीन में, उसके बाद फिर मैं अपने और सारे काम करूँगी और ऊपर भी देखती हूँ कहीं जाला वाला तो नहीं लगा, तो जाले को हटा देती हूँ सबसे पहले। तो मैं डाल देती हूँ मशीन में कपड़े, क्योंकि कपड़े धुलने में लगेगा टाइम और आज कपड़े हो गए हैं थोड़े ज़्यादा से, और तब तक इस कमरे का मैं थोड़ा सा काम भी कर देती हूँ, डस्टिंग वगैरह। आज तो बच्चों की महावीर जयंती की छुट्टी हैगी, फिर कल इन्हें स्कूल जाना है, फिर परसों इनकी छुट्टी हैगी, तो आजकल बस ऐसी छुट्टियों वाला काम चल रहा है। क्या कर रही हो परी, पौधों में पानी डाल रही हो क्या? हाँ आप लोगों ने देखा मैंने कमरे की सफाई कर दी, परी ने पौधों में पानी डाल दिया, यहाँ पे मैं लगा दूंगी मशीन में कपड़े और मैं फिर जा रही हूँ नीचे
तो ये पपीता मैंने मम्मी को दुकान के देने के लिए कट कर दिया है, मम्मी दुकान पे हैंगी। और मैं जा रही थी सीताफल की सब्जी छौंकने के लिए, तो पर सौर्य ने बोला कि मम्मी मेरे लिए पापड़ बना दो। ये वाले पापड़ जो साबूदाने के होते हैं ना, ये बच्चों को बहुत पसंद है। बच्चों को क्या, मेरे को भी बहुत अच्छे लगते हैं। कहते हैं कुछ आदतें ना बच्चों में अपने मम्मी पापा की ज़रूर आती हैं, तो ये जो साबूदाने के पापड़ होते हैं ये मुझे शुरू से ही बहुत पसंद हैं, मुझे भी पसंद है। और पता है आप लोगों को मैं बताऊं तो मेरे भाई बहनों को भी पसंद है, जो परी शौर्य के मामा और मौसी हैं उन्हें भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे रात की दाल चावल रखे हुए थे ना, तो बस मैंने थोड़ा सा सीताफल ही छौंका था, ज़्यादा सीताफल नहीं था ना, तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्च कट करके और मेथी से और हींग से और हरी मिर्च से ही सीताफल को छौंक दिया। और दाल चावल है, थोड़ा सा सीताफल हो जाएगा तो हम लोगों का दोपहर का खाना पीना हो जाएगा। तो बस उसके बाद मैं यहाँ पे झाड़ू में लगा गई थी, बस पोछा लगाना रह रहा था, तो बस पोछा लगाने के बाद फिर मैं जाऊँगी ऊपर, फिर नहाऊँगी, नहाने के बाद फिर मुझे और काम करने हैं, पोछा भी हमारा लग चुका है। तो यहाँ पे नहा के आने के बाद मैंने अपनी पूजा करी थोड़ी बहुत, पूजा करने के बाद फिर मैंने रोटियाँ सेक दी हैं, बच्चों को खाना खिला दिया है, दुकान पर खाना भी भिजवा दिया है। और यहाँ पे मैं धो रही थी दोपहर के बर्तन, बर्तन धोने के बाद ये मेरे कपड़े धुल चुके थे, इतने कपड़े वो रखे हुए हैं, ये कपड़े सारे ना मशीन में धोए हैं, लेकिन मैंने ये सारे कपड़े हाथ से निकाल के मशीन में ड्रायर कर रही हूँ। तो ये देखिए बस काम करते करते मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और इसके बाद अभी मुझे ब्लाउज कटिंग करनी है, तो बस कपड़ों को निकाल के और बाकी सारे कपड़े ड्रायर करके इनको सुखा दूँगी। फाइनली मेरे कपड़े धुल चुके हैं, बहुत सारे कपड़े हो रखे थे, बेडशीट्स थी, पायदान वगैरह थे, और बहुत कपड़े हो गए थे, सारे में कपड़े 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 हो रखे हैं। तो अभी इन्हें फैलाने में ही मुझे आधा घंटा लग गया है, जगह थोड़ा सा कम है ना, तो थोड़ा एक दूसरे के ऊपर फैला दिए हैं। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग की करती हूँ एंडिंग, क्योंकि दो दिन का ब्लॉग हो गया है और अभी तक मैंने इसको एंड नहीं किया, तो मैंने कहा चलो अपने ब्लॉग की एंडिंग कर देते हैं। तो आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और अभी बच रहे हैं 3 बच्चे, गए हुए हैं ट्यूशन, मैंने मशीन लगाई थी 12 बजे लगाई थी, कपड़े 3 बार धुले हैं, तो कपड़े हो गए थे ज़्यादा, आज बेडशीट वगैरह भी निकाल दी थी ना, तो इस वजह से ज़्यादा हो गए। और अब मैं आधा घंटा रेस्ट करूँगी, उसके बाद करती हूँ मैं कटिंग, 2-3 ब्लाउज कटिंग करने हैं तो उनकी कटिंग करूँगी, और देखते हैं अगर सिल पाएगा तो सिलेंगे, वैसे कटिंग तो करूँगी। तो चलिए इस ब्लॉग की एंड करते हैं, और अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखना।